शुरू से ही आप राजनीति में रहे हैं और आपने बसपा में भी अपना योगदान दिया, तो ये बताइए कि जब बसपा पार्टी आपने छोड़ा, बसपा के बाद आपने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की, क्या कारण? नहीं देखिए, मैंने बसपा छोड़ी नहीं है। हमने 1983 जब BS4 था तब से बसपा को मजबूत करने के लिए मैंने पूरे बुंदेलखंड में काम किया। जुलाई 1987 में मेरे पिता ने मुझे मानवर कांशीराम जी के आह्वान पे डोनेट किया सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए, और मैं पूर्णकालिक प्रचारक बन के और लंबे समय तक हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। तो बसपा की जड़ों को सींचने में हम हैं, तो परंतु बसपा पे सामाजिक परिवर्तन विरोधी ताकतों का, शोषणकारी ताकतों का कब्जा हो गया है, इसलिए 28 जनवरी 15 को उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। जो कि वो उनके जो बसपा को बेचने के लिए सतीश मिश्रा एंड कंपनी ने जिस तरीके से अभियान चलाया हुआ है बसपा को बर्बाद करने का, दद्दू का मानवर कांशीराम जी के चेलों से और दद्दू प्रसाद जैसे जितने भी देश में लोग हैं उनसे खतरा लगा कि ये बेचने नहीं देंगे हमें पार्टी को। तो इसलिए उसी दिन हमने कहा 28 जनवरी 15 को ही कि हम किसी भी शोषणकारी पार्टी व्यक्ति शक्ति के साथ जाकर अपने गुरु कांशीराम की सीख को और अपनी माँ की दूध को हम शर्मिंदा नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम इस देश में तोड़े गए 6000 जातियों में तोड़े गए लोगों को जोड़ेंगे और बहुजन समाज बनाकर सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाने का काम करेंगे, समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर लाने का काम करेंगे। और मानवर कांशीराम जी ने जो भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाने का एक बड़ा अभियान चलाया, ये लोकतंत्र की ही कामयाबी है कि बिना रुपए पैसे के दद्दू प्रसाद जीत के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आ गया। बहन मायावती के पास भी 1984-85 और 89 में डिपॉजिट जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो समाज ने पैसे लगाए, तो बिना रुपए पैसे के लोग जीत के आ गए। और एक दो उपवास रूप नहीं, एक सैकड़ा से ऊपर MLA और एक दर्जन से ऊपर सांसद मेंबर पार्लियामेंट जीत करके बिना रुपए पैसे के पहुंचे। तो लोकतंत्र, जन आधारित लोकतंत्र हम चाहते हैं कि धन आधारित लोकतंत्र उनके लिए लाभदायक है जिनके पास धन ज्यादा है, नोट ज्यादा है। राजनीति का तो पूरा मुद्दा ही बदल चुका है। और अगर भारत में निर्धनों की बात को उठाना है तो धन आधारित लोकतंत्र को धक्का मारना होगा, जन आधारित लोकतंत्र मास बेस्ड डेमोक्रेसी को हमें पुनर्जीवित करना होगा जो मानवर कांशीराम साहब ने संस्थापित किया था। तो हम चाहते हैं कि जन आधारित लोकतंत्र, निर्धन का बेटा भी जीत के पार्लियामेंट में पहुंच सके, निर्धन का बेटा भी धनवानों को पटकनी दे करके और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में आ सके, हम इस कोशिश में, और ये ऐसा करना संभव है, किया जा चुका है। इसलिए हम लोग मानवर कांशीराम जी की राजनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश में, हम उसके पक्षधर हैं। वर्तमान सरकार को जिस तरह से जो तानाशाही पूरे बहुजन समाज पे व्याप्त है, तो इसमें जो बहुजन समाज के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं भयभीत हैं और किसी भी मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते हैं, तो क्या कारण है, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, शिकंजे में फंसे हुए लोग और चंगुल में फंसे हुए लोग शोषितों पीड़ितों गरीबों की रहनुमाई उनकी आवाज नहीं उठा सकते हैं। अगर वंचितों की और मजलूमों की आवाज को उठाना है तो शिकंजे में फंसे हुए लोगों से बाहर आना होगा, और नया नेतृत्व जो मानवर कांशीराम जी जिसके पक्षधर थे, देखिए जो कोई चीनी मिल घोटाले में फंसे हैं और कोई खनिज घोटाले में फंसने का डर है, ताज कॉरिडोर मामले में फंसे, आय से अधिक संपत्ति मामले में, नोएडा की जमीन घोटाले में जो लोग फंसे हुए हैं, वो गरीबों की कमजोरों की आवाज नहीं उठा सकते, बल्कि उनके सामने घुटने टेकते हुए वो नजर आते हैं। तो इसलिए हमें नई लीडरशिप को अगर उभारना है तो परिवर्तनकारी काडर का निर्माण करना होगा और सामाजिक परिवर्तनकारी जनमत तैयार करना होगा। सामाजिक परिवर्तनकारी काडर
ही सामाजिक परिवर्तनकारी जनमत तैयार करेगा और वो सामाजिक परिवर्तनकारी नेतृत्व का विकास करेगा। तो सामाजिक परिवर्तनकारी सत्ता का निर्माण हमें करना होगा। इसलिए जन आधारित लोकतंत्र से ही भारत का बहुजन समाज हुक्मरान बन सकता है। वन नेशन वन एजुकेशन आपका जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, अभी तक इसमें पूरे भारत के कितने लोग जुड़ चुके हैं? लगभग 5,000 से ऊपर हमने काडर निर्माण करने में कामयाबी हासिल की है और हम चाहते हैं पूरे देश में, मैं आपके माध्यम से भी पूरे देश के मानवर कांशीराम जी के चेलों से कहना चाहूँगा कि मानवर कांशीराम जी की प्रासंगिकता आज भी है। मानवर कांशीराम जी के जो तौर तरीके हैं लोकतंत्र को कामयाब बनाने के, वो आज भी हमारे लिए सामायिक हैं और उनका सुझाया गया और डिजाइन किया गया सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। आए इकट्ठा होकर के और मानवर कांशीराम के मिशन को हम कामयाब बनाने के काम में लगे और जन आधारित लोकतंत्र को पुनर्जीवित करें। साकेत मुक्ति आंदोलन जिस तरह से जो बड़े जोरों शोरों से आपका चल रहा था और लगातार इस पे आपने कोशिश भी की, आपका संगठन इस पे आपका जो आंदोलन है वो लगातार इस पे काम कर रहा था, फिर भी 5 अगस्त को भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने, उन्होंने इसका जो है शिलान्यास किया और राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो क्या ऐसे कारण है कि आपका आंदोलन चला फिर ऐसे राम मंदिर कैसे बन गया आपके आंदोलन के चलते? नहीं, साकेत मुक्ति आंदोलन ने अपना प्रभाव स्थापित किया है और जनमत तक गया है। ये पूज्य बनते सुमित रतन थेरे मेरे आदर्श हैं और मैं उनको बहुत ही सम्मान और सद्भाव के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनका संघर्ष इस पूरी परंपरा में लीग से अलग हटकर के संघर्ष है। इसलिए हमने इस अभियान को सपोर्ट किया, उसमें हमने समय दिया, श्रम किया, हम गांव-गांव तक गए, जिलों में गए और इस अभियान के साथ है। इसलिए कि जब वहां पर मई के महीने में ये उजागर हुई बात कि जहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है वहां पर ऐतिहासिक पुरातत्व अवशेष मिले हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है और धम्म चक्र मिले हैं, महान सम्राट अशोक की लाट मिल रही है और स्तूप बहुत स्तूप वहां पर मिल रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा विषय बनता है और ये आधार है कि इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में दे दिया जाए। ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम 1958 है उसमें ये व्यवस्था है। भारत सरकार अगर ऐसा नहीं कर रही है तो अपने ही बनाए हुए अधिनियम का उल्लंघन कर रही है, वायलेशन कर रही है और इसलिए निंदनीय है ये कृत्य। और अब ये घुटन्ना वाले लोग और ये पिछले 30 साल से चिल्ला रहे हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और इसलिए इन्होंने राम को जिस तरीके से मंदिर बना रहे हैं ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है और हम लोगों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ में ले गए इस मामले को, पूज्य बनते सुमित रतन है और सुप्रीम कोर्ट में भी PIL दायर की गई। पर जब माननीय न्यायपालिका में भी संविधान के खिलाफ लोग, संविधान की हत्या करने वाले लोग बैठे हैं जो किसी साक्ष्य सबूत के आधार पर नहीं आस्था के आधार पर फैसला दे रहे हैं, तो हमें भी मौका मिलेगा जी। आज उन्होंने पलटा है, कल हम पलट देंगे। आपको क्या लगता है आस्था के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही था? नहीं, ये बिल्कुल गलत था और निंदनीय है, भर्त्सना करने योग्य है। पर सुप्रीम कोर्ट कोई सरोपरि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के व्यू पर कोई कोर्ट है और उस कोर्ट का नाम है पीपुल्स कोर्ट। भारत में लोकतंत्र है, ये लोग अधिनायकवाद लाना चाहते हैं और लोकतंत्र को दबा दिया है, तो हम भारत में पीपुल इस मामले को जो हमारी संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ मामला है, माननीय नरेंद्र मोदी जब भारत के बाहर जाते हैं तो वहां कहीं पर भी इनकी
हिम्मत नहीं पड़ती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है ये राम का नाम ले सके और विष्णु का नाम ले सके, क्योंकि दुनिया में कोई ना राम को जानता है ना विष्णु को जानता है। वहां ये बुद्धा की बात करते हैं कि मैं बुद्धा के आदर्शों अहिंसा और पंचशील की बात करते हैं। तो ये जो दोहरा व्यवहार है, क्योंकि भारत की दलित पिछड़े आदिवासियों को इन्होंने 3000 साल से शिक्षा से वंचित करके तो उनको अंधविश्वासी बना रखा है। हम अपने समाज में नौजवानों से आह्वान करना चाहूंगा कि आपका समाज गुलाम है और मानसिक गुलामी से पीड़ित है, आगे आइए और आगे आकर के मानसिक गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए समाज को हम वैचारिक क्रांति इस देश में आवश्यकता है वो करेंगे। मेरा समाज उठ करके खड़ा हो रहा है, तैयार हो गया है। अभी इन्होंने जिस तरीके से अपना एजेंडा यह है, ठीक है अभी कर लिया 5 अगस्त को, पर हमारा जो मुद्दा है उसको जन स्वीकार्यता मिली है, अभी आगे और जन स्वीकार्यता मिलेगी। हमारी संस्कृति मूल संस्कृति है, भारत की विरासत है, इस दुनिया में भारत को बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और ये ढभोर संखी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, ये अतीत की बात क्यों करते हैं कि अतीत इनके लिए उज्जवल है, हमारे लिए अतीत गुलामी के प्रतीक है, उसमें हमारे लिए प्रताड़ना, हमारी शिक्षा से वो मृत्यु दंड। राम ने शंभु की हत्या किया शिक्षा ग्रहण करने के जुर्म में, कैसे औचित्य सिद्ध करेंगे राम, कैसे राम के पैरोकार कैसे इस बात का औचित्य सिद्ध करेंगे कि राम का शंभु की हत्या करना, मृत्यु दंड देना कहां तक जायज था। तो इसलिए शंभु को भी आगे परिभाषित किया जाएगा और मेरा समाज उसको परिभाषित कर रहा है, उसके बारे में जागरूक हुआ है। तो ये हम अभी ये छड़े है, ठीक है कोर्ट उनके हाथ में है, तो कोर्ट के कल हमारे हाथ में भी आएगी, हम शासन सत्ता हमारे हाथ में आएगी और निश्चित रूप से तो ये कोलेजियम के माध्यम से और वकीलों, देखे न्यायपालिका में न्यायाधीशों का जो चयन है वो भी तर्क संगत नहीं है, ये तो वकीलों से चुन करके आ जाते हैं, वकीलों से मनोनीत कर लिया जाता है, कोई योग्यता का मापदंड, योग्यता का ढपोर संख बजाने वाले लोग। और न्यायपालिका में सीधे जिसका मन चले कुछ साल की उसकी प्रैक्टिस देखते हैं और देख करके उसको न्यायाधीश बना देते हैं। पूरे समाज को एकता के मंच पर लाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मानवर कांश्याम जी ने, हम लोग काम कर रहे हैं उस पे, गांव देखिए हमें गांव में जाना होगा जी। और 4-5 चीजें वो वैल्यूज हमें, चरित्र, संघर्ष, स्वाभिमान और त्याग के आधार पर हमें काडर का निर्माण करना होगा। इन चीजों को अगर हमें शोषक का मुकाबला करना है तो इन चीजों को उपेक्षित करके त्याग, बलिदान, चरित्र, संघर्ष, जन समर्थन, इसको इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मॉरल अथॉरिटी और करेक्टर अथॉरिटी एक बड़ी अथॉरिटी है। मानवर घासीराम जी मॉरल अथॉरिटी के बल पर एक व्यापक जन आंदोलन, मानवर घासीराम जी राजनेता बाद में जन आंदोलनकारी, इसलिए मानवर घासीराम जी को आंदोलनकारी के रूप में पहचाना जाना चाहिए और उसको याद किया जाना चाहिए। जो अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए वहां का उद्घाटन किया 5 अगस्त को, और इस पर उनका साकेत मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, दद्दू प्रसाद जी और भंते सुमित रद्द थेरा जी का लगातार जिसे जाते हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका भी दायर की गई थी और खारिज भी कर दिया गया था आस्था के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था राम मंदिर पर तो यह संविधान के खिलाफ था क्योंकि आस्था के आधार पर आप कोई भी फैसला नहीं सुना सकते विदाउट एविडेंस, आपके पास एविडेंस होना चाहिए तभी आप फैसला दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को भी लात मार दिया और उन्होंने जो है आस्था के आधार पर इसका फैसला सुनाया। लेकिन जो जिस तरह से वहां पर बुद्धिस्ट अवशेष मिले उनको उन्होंने दरकिनार किया, पुरातत्व विभाग को भी नहीं सौंपा और उनके जो ये साकेत मुक्ति आंदोलन जिस तरह से इनका कमजोर पड़ता दिखा तो अब इनकी रफ्तार तेज होगी और अब ये जन आंदोलन में जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो
इनका जो है न्याय नहीं मिला, लेकिन अब ये जन आंदोलन में जाएंगे और अपना जो साकेत मोती आंदोलन है इसको तेज करेंगे। तो पूरी जनता को एकजुट होकर, पूरे बहुजन समाज को एकजुट होकर इनका साथ देना होगा कि ये, क्योंकि ये लोग आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक हुकुम की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको हुक्मरान बनना होगा पूरे बहुजन समाज को, तभी आप अपनी ताकत पहचानेंगे, तभी आप इस देश के और जो आप पहले मूल निवासी थे और अब भी आप है, तो इस ताकत को आप पहचानिए और अपनी लड़ाई में, अपने आंदोलन में एक साथ एकजुट होकर खड़े होइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे जुड़ने के लिए हमसे, और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, हम तो पहुंचाने के लिए। इसी के साथ शालिनी को दीजिए इजाजत, और ऐसे नए मुद्दे पर फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।